नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है वो मैंने अपने एक वीडियो में कही थी, लेकिन किसी कारण के वश मुझे वो वीडियो बाद में डिलीट मारनी पड़ी। उसका कुछ ऑडियो मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक जो डाली थी उसके वजह से कुछ ये हुआ, और उसको मैंने बाद में डिलीट मारा, क्योंकि खामखा मतलब अब ये ना हो, मतलब कोई एक वीडियो के वजह से कोई कॉपीराइट वगैरह ना आए, इस वजह से मैंने वो डिलीट मारी। लेकिन आज की जो कहानी है मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही दिन हो गए, उसको बहुत ज़्यादा महीने हो गए, इसलिए बहुत सारे लोगों ने वो नहीं देखी होगी, इसलिए आपके लिए नहीं होगी ये। तो ये जो कहानी है वो उनका जो कैरेक्टर है उनको मैं नाम दिया है विलियम। ये जो कहानी है वो लाइफ आफ्टर लाइफ इस किताब से ली गई है, जिसके लेखक है डॉक्टर रेमंड मुड़ी जी। ये जो कहानी है वो एक असली कहानी है, ये जो कहानी है वो विलियम जी की है। विलियम जी जो है वो अपनी ज़िंदगी हमारी और आपकी तरह ही एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि उनको पीठ की कुछ ऐसी बीमारी हुई। और पहले पहले होता है ना कि छोटा मोटा हमें थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन वो बीमारी थोड़ी थोड़ी जैसे बढ़ जाती है वैसे हुआ उनके साथ, और उनको बहुत ही ज़्यादा उसकी पीड़ा होने लगी। तब वो डॉक्टर के पास वगैरह गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि एक बहुत ही बड़ी आपको प्रॉब्लम हुई है, और इस वजह से डॉक्टर जी ने उनसे ये कहा कि आप कल एक दो दिनों में एडमिट हो जाइए, और उनको एक तारीख दी कि अगले शुक्रवार को हम आपका ऑपरेशन कर देंगे। तो इनको भी ज़रा डर लगा, और इन सारी चीज़ों से डर लगेगा ही, और वो ऑपरेशन भी बहुत बड़ा था, बहुत ही क्रिटिकल जिसे कहा जाता है वैसा था। तो इन्होंने जैसे डॉक्टरों ने कहा ये एडमिट वगैरह हुए, और शुक्रवार को वो ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन अब ये मंगलवार का दिन है, मतलब आप समझ सकते हैं कि दो तीन दिन के बाद उनका ऑपरेशन था और ये अस्पताल में एडमिट थे। तो ये कहते हैं कि वो ऐसे ही अपने जो बेड था अस्पताल में उस पर सोए थे, अचानक उनको ये लगा कि कोई उनको पुकार रहा है, विलियम विलियम ऐसे उनको लगा कि कोई पुकार रहा है। तो इन्होंने आंखें खोली तो एक ऐसा चमत्कार कि वहाँ पर कोई इंसान नहीं था। उन्होंने देखा तो वो ये कहते हैं कि उनको बादल जैसा ऊपर कुछ दिख रहा था, मतलब बादल मतलब छोटा बादल, छोटा सा, बड़ा नहीं। तो इन्होंने ये सोचा कि ये क्या है हो रहा है हम उनके साथ। तो उन्होंने ये कहा कि क्या, तो उस बादल ने उनसे ये कहा, ये सच्ची घटना है, उस बादल ने उनसे ये कहा कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, ऐसे करके उस बादल ने उनके सामने हाथ ऐसे फैलाए जैसे हम कहते ना कि चलो वैसे। तो विलियम जी को उस समझा नहीं, तो विलियम जी ने अपना हाथ आगे किया तो उस बादल से ऐसे एक हाथ निकला और उसने विलियम को खींचा। तो विलियम ये कहते हैं कि जैसे वो बादल था, मतलब वो एक आत्मा थी, वैसे ही मैं अब आत्मा बन गया और मेरा जो शरीर था वो नीचे रह गया। ये सारी चीज़ें उन्होंने महसूस की। और विलियम ये कहते हैं कि उन्होंने जो कहा उस बादल ने वो शब्द नहीं थे, वो टेलीपैथी जैसे संदेश थे, मतलब कोई हिंदी में थी या फिर वही अंग्रेज़ी में उन्होंने बात की थी, ऐसा नहीं था, वो टेलीपैथी जैसे संदेश भेजते हैं। ये संदेश इतने इतने क्लियर होते हैं कि हम कभी भी नहीं सकते। और एक तो इंसान ने ऐसे कहा था कि वो संदेश इतने क्लियर होते हैं कभी कभी कि जैसे पृथ्वी पर हम कहते हैं ना कि क्या क्या मैंने सुना नहीं क्या, वैसे हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है कि उसने समझे पूछा कि मेरा नाम क्या है, तो इतना क्लियर वो संदेश होगा ना कि मैं अगर खामखा भी उसे पूछूं कि आपने क्या पूछा है, फिर भी मुझे पता हो गया कि उसको पता है कि उसने क्या पूछा है, वो हमें मुझे समझ में आए। तो इतने क्लियर संदेश होते हैं, वैसा ही हुआ विलियम जी के साथ। तो विलियम जी ने ये कहा है कि वो टेलीपैथी जैसे संदेश थे। बाद में वो जो आत्मा थी उसने ये कहा कि मुझे आपको कहीं लेकर जाना है, चलो मेरे साथ, ऐसा कह के वो आत्मा विलियम जी को अपने साथ लेकर गई। अब वो अस्पताल में वो आत्मा उनको लेकर जा रही थी, अस्पताल में ही अंदर ही अंदर वो घूम रहे थे। और विलियम जी ने ये कहा कि जब वो जा रहे थे अंदर किसी रूम में, तब अब समझो वो हम जैसे इंसान है, समझो तो हम चलते हैं, तो हम जहाँ पर रास्ता है वहाँ पर चल सकते हैं, जहाँ पर दीवार है उसके बाहर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन विलियम जी ये कहते हैं कि वो दीवार के भी आर पार जा सकते थे। इसका एक वर्णन उन्होंने इस तरह से किया है कि जब वो दीवार वहाँ पर सामने आती थी तब तक तो दिखता था, लेकिन बाद में वो गायब भी हो जाती थी हमारे लिए और हम उसके अंदर से ऐसे जा रहे। तो ऐसे वो जा गए, दो तीन रूम उन्होंने देखे, और उसके बाद एक अलग ही रूम में वो आत्मा उनको लेकर आई अस्पताल के। और उस आत्मा ने विलियम जी को ये कहा कि ये जो रूम है वहाँ यहाँ पर तुम्हारा परसों ऑपरेशन होने वाला है, जब तुम्हारा वक्त दिया गया है, लेकिन विलियम तुम प्लीज़ घबराना मत, तुम उस ऑपरेशन से सक्सेसफुली बाहर नहीं आ सकोगे, मतलब उस ऑपरेशन से तुम ठीक नहीं हो पाओगे, इसलिए तुम चिंता मत करना, तुम इस दुनिया से तब चले जाओगे, मतलब दुनिया के लिए तुम मर जाओगे, लेकिन मैं खुद तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, इसलिए तुम चिंता मत करना। और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हें इस बात का डर ना लगे कि तुम मरने वाले हो। और ये संदेश उन्होंने ये कहा कि ये सारी अब हमें अगर पृथ्वी पर ऐसा कोई हमारे चौखट पर समझो आकर कहे कि दो दिन के बाद तुम जाने वाले हो, तो हमें नींद नहीं आएगी, हमें खाना हजम नहीं होगा,
तो लेकिन विलियम जी ये कहते हैं कि ये सारी बातें सुनकर उल्टा उनको अच्छा लगा, कि मतलब वो ऐसा ही, जब हम शरीर से बाहर होते हैं तो हमारे विचार इंसान की तरह नहीं होते, इस वजह से कह रहा हूँ कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उस विलियम जी को विलियम जी ने ये कहा कि उल्टा मुझे अच्छा लगा और इतना सुकून भरा था, और हमारे करीबी दोस्त भी जितना हमें अपना नहीं लगेगा ना, या फिर हमारे करीबी कितना भी करीबी इंसान भी हमें जितना करीबी नहीं लगेगा, इतने वो करीबी आत्माएं लगेंगी और वो इतना हमारे लिए करती है, मैंने और भी केसेस में देखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों। तो बाद में क्या हुआ, ऐसा कह के उस आत्मा ने सारी जानकारी दी और फिर से अपने रूम में जहाँ पर विलियम जी सोए थे वहाँ पर वो लेकर गया और कहा कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, तुम मत डरना, ये सारी चीज़ें कही। और अब उनकी आत्मा उनके शरीर में फिर से आ गई। अब विलियम जी बहुत ही सुख से वहाँ पर है, लेकिन सुख से क्या बोलेंगे, अब वो भी बहुत ही टेंशन में थे। अब इन सारी चीज़ों से विलियम जी ये कहते हैं कि मुझे इन सारी चीज़ों का डर तो मुझे 1% भी नहीं था मौत का, लेकिन मुझे विलियम जी ये कहते हैं कि उनका भाई का बेटा था एक भतीजा कुछ, तो वो हमारे घर में रहता था और मेरी बीबी ठीक तरह से उसको संभाल नहीं पा रही थी और उसकी ज़्यादा इनको चिंता लग रही थी कि मेरे बेटे को तो वो अच्छे से संभाल पाएगी या फिर उसको वो संभालेगी क्या नहीं, तो इसका थोड़ा सा उनको डर लग रहा था और इसका ये उनको एक टेंशन थी। और अपने बीवी को, उनको तो अभी कन्फर्म पता था कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहने वाला ज़्यादा दिन, तो इस वजह से उन्होंने अपनी बीवी को एक लेटर लिखने का सोचा, लेकिन वो डायरेक्टली ये सारी बातें नहीं कह सकते थे क्योंकि कौन यकीन करेगा इन पर। और वो लेटर उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं क्या करता हूँ, वो लेटर में ऐसे कुछ वाक्य लिखता हूँ और वो ये लेटर भी उनको डायरेक्टली नहीं दे सकते क्योंकि वो यकीन नहीं करेगी उनका। इसलिए विलियम जी ने ये सोचा कि मैं लेटर लिखता हूँ और ऐसी जगह पर छुपाता हूँ जहाँ पर कोई देखेगा नहीं, लेकिन जब ये सारी चीज़ें मैं जब इस दुनिया से चला जाऊँगा तब कभी ना कभी वो मेरी बीवी देख लेगी। इस वजह से उन्होंने एक तो मतलब ऐसा उसमें वाकिया है कि उन्होंने कहा है कि जब लेटर वो लिखने गए तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और ये जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे रोने आया सच कहूँ तो, क्योंकि एक हालत हम समझ सकते हैं कि इंसान की क्या हो सकती है ऐसे वक्त में, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। तो विलियम जी ने वो सारी चीज़ें लिखी और वो लेटर कहीं पे वहाँ पर और अस्पताल में थे इसलिए वहाँ पर एक जगह पर उन्होंने वो छुपाया कि मेरी बीवी कहीं ना कहीं इसको देख लेगी। अब ये सारी चीज़ें सुनकर बाद में विलियम जी को बार बार ख्याल आ रहा था उस भतीजे का कि उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, और इस वजह से वो रोने लगे, उनको बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी उसकी क्योंकि उसकी उम्र बहुत ही छोटी थी। तो एक दो दिन की बात है, मतलब मंगलवार के बाद की ये बात है, एक दो दिन की। अब अगले दिन उनका ऑपरेशन होने वाला था, उस वक्त वो आत्मा फिर से आई वहाँ पर और उस आत्मा ने विलियम जी से यह कहा कि विलियम मुझे तो लगा था कि तुम अब नहीं डरोगे मौत से या फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा इस दुनिया से जाने से, इसलिए मैं तो तुमके थोड़ा सा धीर देने यहाँ पर आया था, लेकिन फिर भी तुम अब रो रहे हो, ऐसा क्यों? तो विलियम जी ने उनसे यह कहा कि देखो, मुझे पता है कि आपने जो भी मुझ पर एहसान किया है वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता, लेकिन मेरा जो भतीजा है उसको लेकर मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ और इस वजह से मैं थोड़ा चिंता में हूँ कि मेरी बीवी उसको ठीक से नहीं संभाल पाएगी, मेरे जाने के कारण से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। अगर मतलब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए या फिर एक 20-21 साल का जब हो जाए, अपनी ज़िंदगी वो ठीक से संवारने की कोशिश करे, ऐसे वक्त में अगर मैं इस दुनिया से चला जाता तो मुझे कुछ भी नहीं लगता था और आपने मेरी बहुत मदद की है और आपकी वजह से मुझे अब डर ज़रा भी डर नहीं है मौत का। ये सारी चीज़ें उसने विलियम जी ने उनसे कही। तो उसने एक दो पल के लिए सोचा उस आत्मा ने, या आत्माएं जो होती है ना, वो एक बार अगर आप देखेंगे तो हमें लगेगा कि पृथ्वी का जो टाइम है वो बहुत ही स्पीड से भागता है, ऐसा बहुत सारी किताबें भी कहती है, लेकिन आत्माएं कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि हम जो काम 1 घंटे में नहीं कर सकते ना, वो काम वो 1 सेकंड के 1/10 हिस्से में कर सकते हैं, इतनी वो स्पीड कभी कभी होती है, उनके जो संदेश होते हैं ना वो एक अलग ही दुनिया है और मुझे लगता है कि वो इतनी सात्विक दुनिया है जहाँ पर सारी चीज़ों को दूसरे के कल्याण के लिए देखा जाता है, पृथ्वी के जैसा स्वार्थ के लिए नहीं देखा जाता, इतनी वो सुंदर दुनिया है। तो उस आत्मा ने 1-2 सेकंड के लिए सुना, सोचा उस बारे में और उसने विलियम जैसे क्या कहा पता है, कि अगर तुम खुद के लिए कुछ मांगते तो मैं शायद तुमको नहीं दे पाता, लेकिन तुम किसी और के लिए ये ज़िंदगी चाहते हो, इस वजह से मैं तुम्हें परवानगी देता हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी जी पाओगे और तुम्हारा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। ये कह के उसने विलियम जी को अलविदा कहा और वो इस दुनिया से चला गया। ये बातें सुनकर विलियम जी की आँखों में पानी आया कि कितनी बड़ी इंसानियत अगर किसी से सीखनी है तो मैं यही चाहूँगा कि आत्माओं से हमें बहुत ज़्यादा इंसानियत मिल सकती है सीखने,
कितना ये कहानी क्या क्या सिखाती है। इसके बाद विलियम जी ये कहते हैं कि उनको बहुत ही खुशी हुई कि अपने वो, उनको खुशी इसके बात की नहीं हुई कि वो अब मरने वाले नहीं हैं, उनको इस बात की खुशी हुई कि वो भतीजे के लिए कुछ कर पाएंगे। और उसके बाद वो पहले कहते हैं कि मैंने वो लेटर फटाफट से फाड़ डाला, वो किसी को ना मिले इसलिए। और बाद में विलियम जी ने ये कहा कि ये घटना जो है वो उन्होंने अपने पत्नी को पहले बताई, लेकिन बाद में उन्होंने यही सोचा कि इस पर कौन यकीन करेगा, इस पर कौन यकीन करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर रेमंड मूडी ने ऐसे लोगों को ढूंढा जिन्होंने ऐसे अनुभव किए, या फिर मुझे लगता है कि उन्होंने कहा होगा कि अगर किसी को ऐसे अनुभव हुए तो वो उनसे कहे, और उन्होंने एक अनुभव अपने किताब में लिखा है। तो उस इंसान ने यही कहा है विलियम जी ने कि कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन अब मैं ये सारे अनुभव आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये ऐसी बातें हैं, मतलब इसमें एक सीखने वाली मुझे एक बात लगती है कि कोई अपना है, हर एक इंसान का कोई अपना है जो उसकी बहुत फिक्र करता है, जो उसके अपनी ज़िंदगी में हमें जो चाहिए मदद वो कर सकता है। लेकिन ये जो प्रारब्ध या फिर इंसानी जन्म में जो भी पड़ाव आते हैं उसको हमें सामना करना पड़ता है, इस वजह से हमारा थोड़ा सा ध्यान नहीं जाता भगवान पर या फिर उच्च बली आत्माओं पर, उनके संदेश पर। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि एक वक्त ऐसा आ सकता है कि हम उन्हें छोड़ दें, लेकिन वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। तो इस वजह से आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा एक संदेश ये कहानी ये देती है कि जो दूसरे के लिए जीता है, वो जो दूसरे के लिए करने की कुछ कोशिश करता है, तो भगवान भी उसके साथ है। भले वो पृथ्वी पर थोड़ा सा दुखी हो या फिर उसको वो ना मिलता हो जो उसको चाहिए हो या फिर उसकी ज़रूरत हो, लेकिन फिर भी जो अच्छे के लिए कुछ करता है तो उसकी आत्मा का कुछ ना कुछ उद्धार ही होगा। पृथ्वी पर भले ही उसकी आत्मा थोड़ी सी दुखी हो, वो थोड़ा सा दुखी हो, लेकिन उस लोक में वो बहुत ही सुख से जी सकता है और बहुत ही ऊँचे लोक तक जा सकता है दोस्तों। ये तो पूरी तरह से कन्फर्म है। इसलिए आप ज़रा भी चिंता मत करिए, जो दूसरे के लिए जीता है या फिर जो निस्वार्थ तरीके से कर्म करता है, वो उसके कर्म जो है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे, वो कभी भी ज़ाया नहीं जाएंगे दोस्तों। तो आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूंगा। आप हमेशा खुश रहे, आपके परिवार का हमेशा ध्यान रखें, आप हमेशा खुश रहना दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।